हाय, सभी को नमस्कार। मैं हूं सुभाष और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब का डिवाइन परिवार चैनल को। मैं हाजिर हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं कल की तरह आज भी आपके कमेंट के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आती हैं, जो सवाल आप पूछते हो, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। इनका यूट्यूब किचन अन्नी करके है नाम है, तो मैं इनको बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, हेलो सर, मैं आपकी वीडियो पिछले 2 मंथ से देख रही हूं। मेरा 7 मंथ का बेटा है, उसकी 19 अप्रैल को डेथ हो गई ड्यू टू कोविड। उसकी बॉडी का हॉस्पिटल से ही अंतिम संस्कार हो गया था, कोई घर नहीं लाया। जब मैं घर आने लगी तो मुझे ऐसा स्ट्रॉन्गली फील हुआ कि मेरा बच्चा बोल रहा है कि मम्मा रो मत, मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। जब भी रोती हूँ, उसको याद करती हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। और कोई बार सपने में भी आया कि मेरा बच्चा वापस आ गया। सर, मुझे ऐसा क्यों फील होता है वो मेरे पास फिर से आएगा क्या? ओके, सो मैम, देखिए जैसे मैंने कहा, बहुत सारी वीडियो हमारे कोविड के ऊपर भी और डेथ के ऊपर भी, और आपका एक और इसमें एक और कमेंट था, उसको भी ले लेता हूँ, काफ़ी लंबा है वो भी। और बोल रही हैं, सर मैं आपसे ये भी बोलना चाहती हूँ कि आप एक बच्चों से रिलेटेड वीडियो बनाएं। इतना कम एज में बच्चे क्यों चले जाते हैं? उनकी आत्मा कहाँ जाती है जब उनको जाना ही रहता है? तो आते ही क्यों हैं? कोई लेडीज़ का डिलीवरी टाइम ही बच्चा क्यों चला जाता है, या डिलीवरी से पहले कम एज में जब वो चले जाते हैं तो उनकी पुनर्जन्म कब होती है? 6-7 मंथ के में जिस बच्चे की डेथ हो जाती है तो क्या उनका भी कार्मिक अकाउंट बनता है? सर प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, इट्स रिक्वेस्ट। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सारे सवालों को रिकैप करने के लिए। ऑलरेडी आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है 12:17 चल चुका है, तो इसको मैं इससे ज़्यादा, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। तो इस पूरे सवाल में कई सवाल छिपे हुए हैं, इसमें पूरा हो जाएगा। तो जो भी लोगों का बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कोई डिस्टर्बेंस आपको पीछे से आ रही हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ सके। तो जैसे इन्होंने कहा कि कोविड से उनकी डेथ हो गई थी और उनको ऐसा लगता है कि वो बार बार इनके पास में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आपका अन्नी नाम मैं ले रहता हूँ, आपका यूट्यूब किचन अन्नी करके 19 करके यूजर नेम है, तो मैं अन्नी बोलता हूँ। अन्नी मैम, देखिए आपको एक बेसिक सी बात ये समझनी है कि अगर उनको आपके साथ में रहना था तो उनको जाना नहीं था। देखिए सिंपल सी बात है, आपका कई सारे, आप नहीं ऐसे पूछने वाले, मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखिए पुनर्जन्म होता है इस बात के साथ से हैं और ये पक्का है, प्रूफ है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि क्या वो मेरे पास में आएगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आएगा। लेकिन आप सोच रहे हो मेरा बेटा या बेटी बन के आएगा, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका अगले जन्म में भाई, आपके पिता, आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वो वट एवर इट इज़, आपके पड़ोसी में किसी में, या ऐसी जगह कहीं पे भी जहां आप रह सकते हो, या जो आपके साथ में कार्मिक अकाउंट जुड़े हुए हैं उसके हिसाब से वो जन्म ले सकें। इस नेचर को या इस सृष्टि का जो चलन है उसको समझने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो आपको कन्फ्यूजन ही हाथ लगने वाली है। इसलिए कई बार नेचर को नेचर पर छोड़ देना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं कि क्या अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे जो बच्चे की डेथ हो गई, क्या वो फिर से आएगा? तो उसका आंसर मेरा सिंपली रहता है, हो सकता है कि आपको मेरा ये आंसर पसंद ना आए और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों बोले तो मैं आज गाली खाने के लिए आपके तैयार हूँ या आपकी नाखुशी झेलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको किसी भी प्रकार से धोखे में नहीं रखना चाहता। क्यों बोले तो ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, मैंने काफ़ी लोगों के PRR करे हैं और उनके बीच का जो गैप है और उनके जो जन्म जन्म की चीज़ें देखी हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आपका लाइफ साइकिल जो चलता है, जो वो पूरा चेंज हो जाता है, जो आपके रिलेशन है वो भी बदल जाते हैं। कभी आप पड़ोसी बन जाते हो, कभी आप जो आज हस्बैंड वाइफ थे, माँ बेटा भी बन सकते हैं, क्योंकि नेचर के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेचर के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लर्निंग, यानी कि जो लेसन मिले उनको लर्न कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपका अगला सवाल इसमें था कि
ये छोटे बच्चे जो होते हैं चले क्यों जाते हैं? कुछ जब डिलीवरी होती है तो कुछ बच्चों की डेथ होती है, मतलब उनमें सांस नहीं होता, कुछ बच्चे 6-7 महीने के चले जाते हैं, तो क्या, जैसे इन्होंने पूछा, इनके भी कार्मिक अकाउंट होते हैं, ऐसा कुछ है? तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे उन बच्चों के बारे में जो बच्चे अपने बेली के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है, या वो बच्चे जो जब उनका जन्म होता है तो डेथ पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इतना सिंपल नहीं है, आपने सिर्फ बच्चे बोला है लेकिन पूरा एक प्रोसेस के साथ में चलता। तो कोई भी सोल जब वहाँ से आती है तो उसके पास में एक चांस रहता है। अब बहुत सारे लोग ये सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये सब कैसे पता? पिछले दिनों से एक कमेंट आ रहा है कि सर आप ये बताओ हमें कि आप मर के आए हो क्या, आपको ये सब कैसे पता? तो भाई बंधु, मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए सारे मेरे एक्सपीरियंस रहते हैं PLR के माध्यम से, और PLR में बहुत सारा प्रोसेस रहता और हर एक एज स्टेज का प्रोसेस रहता, वो हमारा एक स्पेशलाइजेशन है तो हम पे छोड़ दो, बाकी आपका जो कमेंट करने का ये क्वेश्चन है वो आपका हक है, डेमोक्रेसी में रह रहे हो, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं बैक टू द आपके सवाल पर आता हूँ। जैसा आपने पूछा कि जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो कोख में ही उनकी डेथ हो जाती है, देखिए उनके पास में नेचर की तरफ से चांस रहता है कि अगर वो उस पेरेंट्स के पास में से अगर उनको लगता है कि ये डिसीजन गलत है तो देखिए वो सोल वापस चली जाती है उसी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और दूसरे पेरेंट्स को चूज करती है या दूसरे हिसाब से जो भी नेचर सजेस्ट करता है उसको करती है। हालांकि ऐसा बहुत सारे केसेस में नहीं होता, ये बहुत कम होता है लेकिन होता है, इस चीज़ से मना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो देखिए कई बार सोल को ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी उन्नति कम होगी तो इस चीज़ को लेके वो वापस चले जाते हैं। अब देखिए आप इस चीज़ को देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसमें से कुछ हमें ऐसा नहीं दिखाई देता कि कुछ निकल कर गया है, वही शरीर है, सब कुछ वही है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें से एक जो तत्व है जो हम सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, सब अपने अपनी भाषा में क्या क्या की बोलते हैं, वो इसमें से चले जाती है तो बॉडी फिर किसी काम की नहीं, वो मिट्टी की तरह है। तो इसी हिसाब से जब वो बेली में 5 महीने, जब भी कोई वुमेन 5 महीने की प्रेगनेंट रहती हैं तो उनकी एंट्री होती है सोल की, तो जब उनको लगता है कि शायद यहाँ पर मेरा जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ, सोचता हूँ उसके हिसाब से नहीं होगा, तो वो फिर से वापिस चले जाते हैं। उनके पास में ये हक है, राइट है, या यूँ क्योंकि उनके पास में ऑप्शन रहता है। अब मैं बात करता हूँ कि जो बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के, जैसा आपका एक बच्चा था, तो ऐसे बच्चों की डेथ क्यों हो जाती है? तो देखिए यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है अनिल जी कि देखिए आपने चूज करके रखा, ये आपकी साइकोलॉजी ने ऐसा बना कर रखा है कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 55 साल जीता है तो एक नेचुरल वे में वो जी रहा। अगर कोई व्यक्ति 7 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल जीता है, उसकी डेथ हो जाती तो अननेचुरल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने, मेरे एक क्लाइंट थे, उनको मैंने बहुत समझाया, उनकी भी 3 साल की बच्ची थी, मैं यहाँ पर उनको रिवील नहीं करूँगा, अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता चल जाएगा कि मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उनको भी मेरा यही कहना था जो आज अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए एज मैटर नहीं करती, कई कारण रहते हैं छोटी एज में डेथ होने के। एक तो नो डाउट जब हमारे इतने सांसें रहती हैं, मतलब हमारे यहाँ पे कितने कार्मिक जो रहते हैं, कार्मिक चीज़ें जो हमें लर्न करनी होती हैं, भोग करना होता है, उसके हिसाब से जब हम भोग कर लेते हैं या हमारे जितनी सांसें ख़त्म हो जाती हैं तो हम चले जाते हैं। नेचर को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बॉडी यंग है या ओल्ड है, लेकिन उसको पता है कि इसके इस बॉडी के अंदर जो सोल है वो बहुत एक्सपीरियंस है, या अगर नई सोल भी है जो नए नए आ रहे हैं उसके बाद में भी उसकी इतनी ही जर्नी है। इसके पीछे कई सारे रीजंस रह सकते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सपोज करो कोई जो लास्ट एज थी, लास्ट बर्थ था, मान लीजिए मेरी 80 साल की एज है, सपोज करो एक, और 80 साल होने से पहले किसी ने खुन्नस में आके मेरी डेथ कर दी, मेरे 3 साल 2 साल 1 साल रह रखे, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हूबहू उसको मत मानिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप इसको अडॉप्ट कीजिएगा, नहीं तो इसको साइड रबिश करके फेंक दीजिएगा।
तो सपोज करो आपकी एक सर्टन एज थी, लेकिन एज से पहले कोई आपका मर्डर कर देता है, जबरदस्ती आपको मार देता है। तो देखिए, इसमें आपकी या आपकी साइकोलॉजी की गलती नहीं है, बल्कि इस बार वो बनने की कोशिश कर रहा था जिस इंसान ने आपके साथ में ऐसा करा, तो इसकी सजा उसको मिलेगी। तो आप नेचुरल ही काउंट होगे इसमें, हाँ, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति जीने की थी, आपने सुसाइड नहीं करा बल्कि आपको किसी ने मारा। तो जो बाकी के उस जन्म के कर्मा थे उनको कंप्लीट करने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, या जनरली सोल क्या होती है, या नेचर के जो एंजल्स हैं वो क्या करते हैं, वो आपको कुछ समय के लिए जो भी सांसें बची थी उनको कंप्लीट करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजते हैं, और आप ताकि अपना जो बचे हुए सारे कार्मिक अकाउंट है उसको कंप्लीट कर सको, और फिर से जो एक कार्मिक अकाउंट बनता है उसको स्टार्ट कर सको। तो ये तो थे आपके सवाल। आई होप कि ये सवाल आपको, जो भी आपकी जिज्ञासा थी उसको समझने में, हल करने में मदद करेंगे। इसके साथ में मेरी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ करके हमें सपोर्ट करो, और इसमें कुछ भी नहीं जा रहा, मैं कंटिन्यूसली कितने टाइम से आपका सवालों का जवाब देता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके और आपको एक नई राह मिल सके, सिर्फ इसलिए। लेकिन आप लोगों की सपोर्ट ही नहीं करते। खैर, वो आपकी मर्जी, मेरी मर्जी तो यही है कि मैं आपकी सहायता करूँ। तो आज का 21 मिनट हो गए, मैं आज यहीं बंद करूँगा, फिर स्टार्ट करेंगे। सो सी यू अगेन, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।